एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। सैनिक और पूर्व सैनिक देश का गौरव है, जिनकी बदौलत ही देश की सरहदें सुरक्षित है। यह बात राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सुजानपुर विश्राम गृह में पूर्व सैनिक दिवस समारोह के दौरान कही। राजेंद्र राणा ने कहा कि सैनिकों एवं शहीदों का सभी को सम्मान करना चाहिए और युवा पीढ़ी को देशभक्ति की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए अनेकों कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों में 1400 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 5 करोड़ 21 लाख की राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा युद्ध के समय शहीद या अपंग हुए सैनिकों के आश्रितों को 201 लाख की अनुग्रह राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में युद्ध स्मारक संग्रहालय बनाने के लिए गत वित्तीय वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 15% आरक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर पूर्व सैनिक लीग के चेयरमैन कर्नल एसएस गुप्ता ने पूर्व सैनिक लीग की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आमतौर पर देवी देवताओं को पुष्प और फल भेंट किए जाते हैं, लेकिन मंडी जिला स्थित सराज घाटी के मगरू मानगढ़ के देवता बनशीरा को गाड़ियों की नंबर प्लेट और अन्य स्पेयर पार्ट भेंट किए जाते हैं। मंडी की जंजहली घाटी से करीब 12 किलोमीटर की दूर पर छतरी की ओर जाने वाली सड़क के किनारे कटनालू नामक स्थान पर देवता बनशीरा के मंदिर में वाहन चालक गाड़ी रोककर शीश नवाते हैं और अपनी सकुशल यात्रा की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में देवता के नाम पर गाड़ी की नंबर प्लेट चढ़ा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इससे वाहन कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते। जंगल का रक्षक देवता है बनशीरा। आमतौर पर बनशीरा को पर्यावरण और जंगल का रक्षक देवता माना जाता है, जो जंगल में भेड़ बकरियां चराने वालों की रक्षा करता है। वहीं पर जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर बनशीरा क्रोधित होता है। जंगलों के अंधाधुंध कटान से होने वाले विनाश को वन देवता बनशीरा का प्रकोप माना जाता है, जबकि मान्यता है कि यह देवता गडरिये के वेश में कभी कभी जंगल में भेड़ बकरियां चराने वालों को दिखाई देता है, जो जंगल में उनकी और उनकी भेड़ बकरियों की जंगली जानवरों से रक्षा भी करता है। मगरू गले से करीब 2 किलोमीटर दूर कटनालू में एक विशाल 2 तने वाले देवदार के पेड़ को देव बनशीरा के निवास के रूप में पूजा जाता है। ठीक इससे ऊपर सड़क के वाहन खुली छत वाला देवता का मंदिर बनाया गया है, जहां पर वाहन चालक अपने वाहनों की नंबर प्लेट्स देवता को चढ़ा जाते हैं। अब दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप एक्टिंग का शौक रखते हैं और बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो हमीरपुर साइलेंट हिल स्टूडियो दे रहा है आपको मौका बॉलीवुड फिल्म में काम करने का। बॉलीवुड फिल्म मकसूद के लिए 21 जनवरी को साइलेंट हिल स्टूडियो में ऑडिशन रखे गए हैं। अगर आप में है टैलेंट तो इस ऑडिशन में आप ज़रूर भाग लें। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं खुद मकसूद फिल्म के डायरेक्टर जय सिंह और साइलेंट हिल स्टूडियो के MD अजय सकलानी। ये एक फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है मकसूद, जो एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसका ऑडिशन हम हिमाचल में कर रहे हैं। तो यहाँ के कुछ अच्छे कलाकार की हमें तलाश है, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं दिल्ली से। तो ऑडिशन 21 को है, देखते हैं यहाँ पे कितना टैलेंट है हिमाचल प्रदेश में। और ये सब तो 21 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। और फिल्म जो है साइलेंट हिल स्टूडियो के साथ हमारा एसोसिएशन है पिक्चर का, और ये पिक्चर हम नेक्स्ट मंथ शूट कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम कास्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे आर्टिस्ट मिल जाए हमें, और पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को काम मिले, और थोड़ा सा यहाँ पे एक हाईलाइट हो लोग यहाँ भी, अगर टैलेंट है हमारे हिमाचल में। मैं युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी हमारे युवा हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, इस लाइन में आने के लिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा एक पैशन होना चाहिए आपके अंदर, एक्टिंग या जो भी फील्ड में आने चाहते हैं आप, कैमरा या एडिटिंग या जो भी XYZ,
आपके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। ट्रेनिंग के साथ साथ आपका एक पैशन भी होना चाहिए, जिसके लिए आपको हर जगह मूव करना होगा। यहाँ भी काम करना होगा, दिल्ली में भी काम करना होगा, बॉम्बे में, तो जहाँ से आपको कुछ ना कुछ नए नए लोगों से सीखने को मिलेगा। पोलस्टार चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमीरपुर में हमने एक अभियान शुरू किया है और हम हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फील्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है एक्टिंग में, टेक्निकल में कहीं भी, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारी एक फिल्म आ रही है, आप सब लोग जानते ही हैं, और ये हमारी पहली फिल्म अब नेक्स्ट हम शूट कर रहे हैं, जो पहली हिंदी फीचर फिल्म है। बुद्धिजीवी प्रोडक्शंस के साथ हम ये कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर जय सिंह है, और इसके लिए हम 21 को यहाँ पे ऑडिशन रख रहे हैं। 21 तारीख को साइलेंट हिल स्टूडियो हमीरपुर में ऑडिशन है। अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, आप एक्टिंग करते हैं, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हैं, आप आइए यहाँ पे 21 को ऑडिशन दीजिए। अगर हमें लगता है कि आप में से कोई भी लोग जो इस फिल्म में काम कर सकते हैं, जो हमारे फिल्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल करेक्टर्स है, हम आपको सिलेक्ट करेंगे और आपको मौका देंगे। ये एक बहुत अच्छा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट हिमाचल से हम बाहर लेके आएँ और उनको, चाहे हिमाचल में एक इंडस्ट्री का सेटअप हमारा फ्यूचर में हो या फिर बॉलीवुड में काम करना हो या कहीं भी है, तो जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक अच्छा मौका मिल सके। तो आप ज़रूर आइए, ऑडिशन दीजिए, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। पोलस्टार टीवी के पहाड़ी शो के एंकर अरुण ने हाल ही में अपना एक गाना रिलीज किया है। गाने के बोल हैं, मैं कलाकार बन जावा, और इसकी शूटिंग भी हमीरपुर में ही हुई है। यह गाना अरुण कुमार ने खुद लिखा है और खुद गाया भी है। तो आइए आपको छोड़ जाते हैं इस खूबसूरत से पहाड़ी गाने के साथ। कलाकार दी जिंदगी जितनी सौखी है लगदी, सच सुना मां दोस्त तो बड़ी औखी है लंघदी। कलाकार दी जिंदगी जितनी सौखी है लगदी, सच सुना मां दोस्त तो बड़ी औखी है लंघदी। ओ फेर बिजट ने पाड़ लिया, एहो सपना है प्यारा, एक सपना है मेरा, बिन कलाकार बन जावा। सपना है मेरा, बिन कलाकार